हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा आपकी हिंदी की अध्यापिका। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ बड़े भाई साहब। इससे पहले वीडियो में हमने काव्य भाग का पाठ 1 किया था और आज हम अपने गद्य भाग पर आएंगे। आपका गद्य भाग पाठ 10 से शुरू होता है। पाठ 10 में आपको प्रेमचंद जी की कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने अपने व अपने बड़े भाई के बीच के संबंधों को उजागर किया है। इस कहानी में एक बड़े भाई साहब का छोटे भाई का किस तरह ख्याल रखा जाता है, किस तरह गलतियां करने पर उसे डांटा जाता है, वो अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर किस तरह एक बड़े भाई साहब को दुनियादारी की शिक्षा दी जाती है, एक बड़ा भाई छोटे भाई को दुनियादारी की सीख दे रहा है इस पाठ में, ये सब इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब। पाठ शुरू करने से पाठ प्रवेश देखेंगे पहले। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम भी बड़े होते तो कोई हमें ना टोकता। अपने घरों में जब कोई छोटा बच्चा इस तरह से कोई भी काम करता है जो उसकी उम्र के हिसाब से सही ना हो, तो अक्सर हम देखते हैं कि बड़े जो परिवार के सदस्य हैं वो उन्हें यह कहकर टोक देते हैं कि नहीं बेटा, ये काम आपके वश का नहीं है, इस काम को आप नहीं करेंगे। तो बच्चों के मन में उस टाइम पे क्या बात आती है कि काश हम भी बड़े होते और हमें कोई भी टोकने वाला ना होता, हम भी अपनी मर्जी से हर काम को कर सकते। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बड़े हो गए हैं तो हम वो हर काम कर सकते हैं जो हमारी मर्जी का हो। घर के बड़े को भी कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। यानी कि कई बार बड़ों के आगे भी कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं कि वो हर काम जो उनके मन का हो, जो वो करना चाहते हैं, उस काम को वो कर सकें। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो कोई ना कोई कारण ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने आप को उस काम को करने से रोकना पड़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और भी है। यानी वो घर में हैं तो वो बड़े भाई साहब, लेकिन उनके घर में हालांकि वो बहुत बड़े नहीं हैं उम्र में, लेकिन वो अपने छोटे भाई से बड़े हैं, इसलिए उनको बड़े भाई साहब कहा गया है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी जाती हैं। घर में अगर आप लोग एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई या भाई बहन आपस में होते हैं तो बड़ों से हमेशा माँ बाप के द्वारा ये उम्मीद लगाई जाती है कि नहीं बेटा, तुम बड़े हो, तुम सयाने हो, तुम ऐसा करोगे तो छोटा भाई भी ऐसा करेगा। तो हम मोस्टली हम देखते हैं कि बड़े जो भाई बहन होते हैं छोटों की तुलना में उनसे ज़्यादा उम्मीद लगाई जाती है माँ बाप के द्वारा कि तुम कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे छोटे भाई पर गलत असर पड़े या छोटी बहन पर गलत असर पड़े। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें, कोई भी काम जो वो करें, वो छोटे भाई के लिए एक मिसाल बने, यानी एक उदाहरण बने कि कोई कुछ भी वो ऐसा गलत काम ना करें जिससे छोटा भाई भी उसके नक्शे कदमों पर चले, छोटी बहन भी उस वैसा ही कोई काम करे। तो हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि मैं भी कुछ अच्छा करूं जिससे मैं अपने छोटे भाई के लिए एक एग्जाम्पल बन सकूं। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो रहा है, नष्ट हो रहा है। यानी वो अपनी जो उम्र है, अपना जो बचपन है, उसको वो जी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई या छोटी बहन का के लिए एक मिसाल बनना है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी हैं जो इस कहानी के लेखक, वो बता रहे हैं, वो अपनी और अपने बड़े भाई की कहानी बता रहे हैं। वो इसमें उन्होंने कहा कि जो मेरे बड़े भाई साहब है वो उम्र में मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जे यानी यहाँ पे दर्जे का मतलब है क्लास, कक्षा। यानी क्लास में वो मुझसे केवल 3 क्लास आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते। यानी मेरे बड़े भाई साहब उम्र में मुझसे 5 साल बड़े हैं तो इसी हिसाब से तो उनको कक्षा में भी मुझसे 5 साल बड़े होना चाहिए था, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो मुझसे 3 दर्जे 3 क्लास ही आगे हैं।
उन्होंने क्योंकि उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया, यानी जिस उम्र का मैं था, यानी अगर मैंने 5 साल की उम्र में पढ़ने शुरू किया था तो मेरे भाई साहब भी जब 5 साल के थे तो उसी उम्र में ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन तालीम, तालीम यानी शिक्षा, एजुकेशन जैसे महत्व के मामले में, जैसा एक इम्पॉर्टेंट जो एक काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसमें वो जल्दबाजी नहीं करते, वो शिक्षा को बहुत अच्छे से प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई वो कर रहे हैं उस पर भी जल्दबाजी नहीं करते कि बस 1 साल में पढ़ ली और हो गई। वो बहुत किसी भी अपनी जो क्लास है, कक्षा है, उसकी जो शिक्षा है उसको बहुत गहराई से पढ़ते हैं ताकि उनकी शिक्षा में किसी तरह की भी कोई कमी ना रह जाए। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। यानी इसके देखेंगे अब हम, इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। भवन कौन सा? एजुकेशन का जो एक पिलर है, जो एजुकेशन का जो एक बिल्डिंग है, उसकी बुनियाद, बुनियाद होता है बेस, नींव जिसको बोलते हैं, उसको खूब मजबूत बनाना चाहते थे। क्योंकि जिस बिल्डिंग को, अगर हमने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो अगर उसका बेस, अगर उसकी नींव मजबूत ना होगी तो उसकी उस जगह पे एक बहुत मजबूत जो है इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपना फ्यूचर, बहुत भविष्य जो है अपना बहुत अच्छा बनाना है तो उसके लिए उनकी जो शुरुआती जो शिक्षा है, जो उनकी उनकी बेसिक जो एजुकेशन है, अगर वो ही बहुत अच्छी नहीं होगी तो वो कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, यानी 1 क्लास को पढ़ने के लिए 1 साल लगता है, लेकिन वो उस 1 क्लास को की जो पढ़ाई है उसको इतनी गहराई से कर डालते थे कि उस क्लास में उनको 2-2 साल लग जाते थे, और कभी कभी तो 3-3 साल भी लग जाते थे। वो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं लेते थे कि हमने 1 क्लास पास कर ली, दूसरी कर ली, नहीं, वो उस जो उस साल के अंदर, उस कक्षा के अंदर जितना भी सिलेबस होता था उसको बहुत गहराई से करते थे, उसको अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। क्योंकि उनका मतलब क्या था इस चीज़ से, वो कहते थे कि अगर हमारा फ्यूचर मजबूत नहीं होगा, फ्यूचर ही सिक्योर नहीं होगा, एजुकेशन ही हमारी अच्छी नहीं होगी तो हमारा भविष्य कैसे सुधर पाएगा। तो वो इतनी अच्छे ढंग से पढ़ाई करते थे कि एक एक क्लास को का जो टाइम पीरियड 1-1 साल का होता था उसमें 2-2, 3-3 साल लगाते थे ताकि उनका भविष्य सुधर सके। मैं छोटा था, वह बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। पाठ की शुरुआत में भी उन्होंने बताया कि वो मुझसे 5 साल बड़े थे। उन्होंने कहा मैं छोटा था और मुझसे 5 साल बड़े थे, अगर मेरी उम्र 9 साल की थी तो वो उस समय 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह, तंबीह यानी डांटना डपटना, डांट डपट, तंबीह का मतलब डांट डपट, और निगरानी मेरा ध्यान रखने का, मेरी देख रेख करने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। यानी माँ बाप की तरफ से उनको पूरी छूट दी गई थी कि अगर तुम दोनों भाई एक ही साथ रहते हो या कहीं पे भी अगर तुम्हें लगता है कि छोटा भाई किसी गलत रास्ते पर चल रहा है या कोई शरारत कर रहा है या पढ़ाई नहीं कर रहा, किसी तरह की भी अगर तुम्हें कोई तकलीफ है इस भाई से, छोटे भाई से, या तुम्हें कहीं कोई कमी नज़र आ रही है तो तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम उसे डांट डपट के या समझा बुझा कर उसको समझा सको। और मेरी शालीनता, मेरी शालीनता यानी लेखक अपने बारे में कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, कह रहे मेरी शालीनता, मेरी समझदारी इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। क्यों? क्योंकि वो बड़े भाई जो थे, उम्र उनसे बड़े थे, उनके पास हक था अपने छोटे भाई को समझाने का भी, डांटने का भी, और छोटा भाई अपने बड़े भाई की इज्जत करता था या डांट के डर के मारे या बड़ों की डांट की वजह से अपने बड़े भाई के आगे कभी भी उनका जवाब नहीं देता था, पलट कर जवाब उनका नहीं देता था, और उनकी हर बात को कानून समझकर, एक कानून का हुक्म समझकर चुपचाप उस बात को सुनता था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। अब बड़े भाई साहब जो अध्ययनशील थे, हर समय पढ़ाई में लगे रहते थे, हर समय जो है पढ़ाई को महत्व देते थे, तो हरदम किताबें ही खोले बैठे रहते थे, यानी उनको दुनियादारी से, दुनिया अपनी जो बचपन की शरारतों से किसी की तरफ ध्यान देने का कोई शौक नहीं था। हर समय किताबों में लगे रहना, पढ़ाई को ध्यान देना, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, अब कभी जब कभी भी वो पढ़ते पढ़ते थक जाते थे बहुत ज़्यादा, हर समय जैसे वो पढ़ाई में लगे रहते थे तो जिस टाइम
पे वो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था, पढ़ते पढ़ते वो थक जाते थे, तो अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी वो बाहर खेलने नहीं जाते थे, कभी टीवी चला के या फिर अपने दोस्तों के साथ गपशप मारने या मैदान में क्रिकेट खेलने, ऐसा कुछ खेलने वो घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, अपने कमरे से बाहर हर समय अपनी उसी जगह पे बैठ के पढ़ते रहना, और अगर पढ़ते पढ़ते थक भी गए तो दिमाग को आराम देने के लिए कुछ ऐसे काम करते थे जो शायद हर बच्चा नहीं करता। जब भी बच्चे थक जाते हैं तो वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए यही बोलते हैं, मम्मा मैं थोड़ी देर खेला हूँ, मैं थोड़ी देर बाहर खेल लूँ, या मैं थोड़ी देर वीडियो गेम खेल लूँ, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेला हूँ, तो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन जो बड़े भाई साहब थे वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाते, कॉपी पर यानी नोटबुक के ऊपर कभी चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बना लेते, किताब के हाशियों पर हाशिए यानी मार्जन्स, नोटबुक के साइड पे जो मार्जन्स होते हैं उन पे पिक्चर्स बना लेते थे। इसी से उनके दिमाग को रेस्ट मिल जाता था, ब्रेक मिल जाता था उनके दिमाग को पढ़ाई से, और उसके बाद जब उनको फिर से फ्रेश फील होता तो वो फिर से पढ़ने लग जाते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, और कभी कभी तो एक ही नाम को एक ही शब्द को 10-10, 20-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, यानी एक लाइन लिख लेते और उसको बार 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 सुंदर लिखाई के अंदर सुंदर बना बना के हैंडराइटिंग अच्छी करके और उस शब्द को उस वाक्य को बार बार लिखते। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य, और कई कई बार तो ऐसी अर्थ रचना ऐसी शब्द रचना यानी खुद से ऐसे ऐसे लेख लिख डालते, कुछ ऐसी लाइन्स लिख देते थे खुद से बना के अपनी क्रिएटिविटी से, कि उस लाइन का उस शब्द का ना ही कोई अर्थ होता ना ही कोई सामंजस्य, कोई एक दूसरे के साथ मतलब तालमेल ही नहीं होता था उन शब्दों का। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधेश्याम श्रीयुत राधेश्याम, एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मसलन यानी उदाहरण देते हुए छोटा भाई है वो उदाहरण देते हुए बता रहा है कि एक बार तो मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई की जो कॉपी थी उस पर मैंने एक इबारत देखी, इबारत यानी एक लाइन, एक लेख लिखा हुआ देखा, कुछ लिखा हुआ था एक लाइन, और वो लिखा क्या था, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधेश्याम श्रीयुत राधेश्याम, एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, यानी ये इस तरह से वर्ड्स लिखे हुए थे, लाइंस लिखी हुई थी, और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, यानी उनके लिए बहुत कठिन था कि ये भाई ने लिखा है तो लिखा क्या है, ना तो इसका कोई अर्थ है, ना ही ये जो शब्द रचना उन्होंने की है, ना ही इनका कोई एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन है, कोई तालमेल ही नहीं है इन शब्दों का आपस में। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। यानी मैंने बहुत चेष्टा की, किसने, लेखक ने बहुत चेष्टा की, बहुत कोशिश की कि उन वर्ड्स को बार बार पढूं कि भाई ने, मेरे भाई ने, बड़े भैया ने लिखा है तो आखिर इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा है, इसका रीज़न क्या है, क्या ये कोई पहेली है, कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है, कोई गेम है, क्या चीज़ है ये। उसने बहुत कोशिश की लेकिन बावजूद इसके वो असफल रहा, यानी फेल हो गया उस चीज़ के लिए, उसको उसका मीनिंग ढूंढने में, उसका उत्तर ढूंढने में। और बड़े भाई साहब के प्रति तो उसके मन में इतना डर था कि बड़े भाई साहब से पूछने की तो उसने हिम्मत ही नहीं की। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में, बड़े भैया जो थे मेरे वो 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं में, उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। यानी जो कुछ भी वो लिखते थे, उनकी जो रचनाएं थी, जो कुछ भी वो लेख लिखते थे, उनकी जो क्रिएशन थी, उसको समझना तो मेरे लिए नामुमकिन था, यानी बहुत छोटा मुंह बड़ी बात थी। यानी उनकी रचनाओं को समझने के लिए जो उनकी बुद्धि थी, उन्हें लगता था कि वो तो अभी विकसित ही नहीं हुई है, यानी जहाँ जिस लेवल पे उनका दिमाग काम करता है वहाँ तो तक पहुँचने में तो अभी मुझे बहुत दिन है, तो अपनी हैसियत से बढ़कर उनको ये सारी चीज़ें लगती थी। तो अब बड़े भाई साहब का जो पाठ के अंदर स्वभाव दिखाया गया है, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मेरे बड़े भैया, जिनके स्वभाव की विशेषता में बताया गया है कि वो बहुत अध्ययनशील थे, लेकिन जो लेखक था उसका जी, उसका मन जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी ना लगता था। अगर एक घंटा भी उनको किताबें लेकर पढ़ने बैठना पड़ जाता तो उनके लिए मुसीबत बन जाती। जैसे ही उनको मौका लगता
हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाते थे। बड़े भैया जब भी उनसे पढ़ने के लिए बोलते, ठीक है, बड़े भैया के सामने डर के मारे वो पढ़ने के लिए बैठे रहते, लेकिन जैसे ही वो देखते कि भैया यहाँ से चले गए या भैया किसी काम में व्यस्त हो गए, तो मौका पाते ही वो फटाफट से मैदान में आ जाते। कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कंकरियाँ नहीं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ बनाकर उड़ाता, और अगर उसका कोई दोस्त मिल गया लेखक का तो बस पूछना ही क्या, तो बस लेखक के फिर तो मज़े ही हो जाते कि बस उसके साथ मटर गस्ती करना और खूब मौज मस्ती करते हुए इधर घूमना उधर घूमना, बस इसी काम में लगे रहते। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेखक कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। तो कह रहे कि लेखक क्या कहते हैं कि कभी तो हम चार दीवारी पर चढ़कर या कहीं पे भी बाउंड्री कोई बनी हुई है उसके ऊपर चढ़ जाते और उसके ऊपर से नीचे छलांग लगाते, अपने बचपन की जो शरारतें हैं लेखक उसके बारे में बता रहा है। कभी फाटक पर सवार, फाटक यानी डोर पर, दरवाजे के ऊपर लटक के उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार बना के उस मज़े लेते, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में वापस आता भाई साहब का रुद्र रूप यानी गुस्से वाला रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते, बुरी तरह मैं डर जाता। क्यों? क्योंकि भाई को बिना बताए खेलने गया था, बड़े भैया ने कहा था पढ़ने के लिए, और मैं उनसे नज़रें चुरा कर उनसे बचकर मौका पाते ही कमरे से बाहर आ गया था और खेलने लग गया था। अब जब मैं वापस आता तो बड़े भाई साहब खूब गुस्से वाला रूप दिखा के गुस्से से मुझे घूरते और मेरे बिल्कुल ही प्राण सूख जाते, यानी मैं बुरी तरह डर जाता। और उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। अब जब बड़े भैया को बिना बताए बिना उनसे परमिशन लिए उनके दिए हुए काम को छोड़कर जब मैं बाहर खेलने चला जाता और जब खेल कूद कर जब मैं वापस लौटता तो बड़े भाई साहब गुस्से से मेरा स्वागत करते, और जब वो गुस्से से मेरे साथ जो पहला सवाल उनका होता वो हमेशा गुस्से से पूरे रौब से वो यही पूछते कहाँ थे, और हमेशा ही यह सवाल पूरे एक ही ध्वनि में सेम टोन में गुस्से से ही हमेशा एक ही स्टाइल में पूछा जाता था, और इसके बदले में जवाब मेरा मौन ही होता। मौन यानी मैं बिल्कुल चुप हो जाता, जब मुंह खोलने तक की हिम्मत मेरी ना रहती कि मैं इसके बदले में बड़े भैया से ये बात अपने मुंह से ये बात निकाल सकता कि भैया मैं तो ज़रा बाहर खेल रहा था, यानी मैं इतना डर जाता कि मेरी इतनी भी हिम्मत ना होती कि मैं अपने बड़े भाई साहब से ये बात कह सकता कि भैया मैं ज़रा बाहर अभी खेलने गया था या पढ़ाई मेरी हो गई थी इसलिए मैं बाहर चला गया था। नहीं, मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, यानी जो मेरी चुप्पी जो मेरा मौन था मेरी चुप्पी थी वो यही बता देती कि मुझे मेरी गलती मंजूर है, कि हाँ मैंने गलती की है, आपने मुझे पढ़ने के लिए बिठाया था और मैं बाहर खेलने चला गया था। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। और जब इसके बदले में भाई साहब क्या करते थे, उनके पास एक ही इलाज था, मेरा स्नेह और रोष प्यार और गुस्से से भरे शब्दों से मेरा सत्कार करें, यानी मुझे खूब डांट लगाते, डांट के बीच में गुस्से से भरे शब्द भी होते वाक्य भी होते और प्यार से भी समझाने का वो मुझे प्रयास करते। इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं, ऐरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते। यानी अब बड़े भाई साहब गुस्से वाले और प्यार वाले दोनों तरह के शब्दों को मिलाकर मेरा सम्मान करते, मुझे सत्कार देते। अब वो मुझे डांटते हुए कहते कि अगर इसी हिसाब से इसी तरीके से अंग्रेज़ी पढ़ते रहोगे तो बस ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहना और एक अक्षर भी नहीं आएगा, जिस हिसाब से तुम पढ़ाई करते हो ना, अगर इस तरह से तुम पढ़ाई करने लगे तो जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, यानी कोई मजाक नहीं है कि कोई भी उसे पढ़ ले, ऐरा गहरा नथु खैरा यानी बेकार आदमी भी फिर तो अंग्रेजी के विद्वान हो जाए अगर इस तरह जल्दबाजी में अगर हम अंग्रेजी पढ़ने लगे। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घूंगा हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते। यानी वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जल्दबाजी में तुम पढ़ाई करते हो, इस हिसाब से अगर पढ़ाई किसी को आनी होती तो हर कोई बेकार आदमी भी नालायक लोग भी पढ़ के पास हो जाते। कहते अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए या विद्या ग्रहण प्राप्त करने के लिए
अगर हमने अपनी एजुकेशन की जो नींव है उसको स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उसके लिए कहते हैं रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, अर्थात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है, ये तो कहने को ही आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो बहुत बड़ी बात है। और तुम कितने घोंगा हो, यानी कितने आलसी हो कि तुम मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते कि मैं सारा सारा दिन पढ़ाई करता हूँ, बावजूद इसके मैं पढ़ाई में भी इतना विद्वान नहीं हूँ, और तुम तो थोड़ी देर अपनी पढ़ाई करके भी अपने आप को बहुत महान समझ लेते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ और यह तुम अपनी आँखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा? अरे कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता हूँ, मैं बाहर खेलने भी नहीं जाता, और ये सब कुछ तुम देख रहे हो अपनी आँखों से, तुम सारा कुछ जो ये चल रहा है कि मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ और तुम बाहर मस्ती कराते हो, ये सब कुछ तुम देख रहे हो, लेकिन देख कर भी तुम उन चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो। अगर तुम अपनी ये सब तुम्हारी आंखों का कसूर है या तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, ये तुम्हारी गलती है कि तुम उस चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। कितने मेले तमाशे होते हैं, तो मुझे कभी तुमने जाते हुए देखा? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता हूँ, कभी भी इन फालतू की चीज़ों के अंदर, इसके लिए ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन अभी का जो समय है वो वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। मैं कभी उनके आसपास भी नहीं फटकता कि मुझे कहीं ऐसा लगे कि अगर मैं उन चीज़ों के पास जाऊँ तो मेरा ध्यान भटक जाए, पढ़ाई की तरफ से जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन है वो छूट जाए और मेरा ध्यान भी उन खेलने की चीज़ों की तरफ लग जाए। नहीं, मैं उन चीज़ों के आसपास भी नहीं जाता। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ, यानी कड़ी मेहनत करने के बावजूद, दिन रात पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं एक क्लास में दो दो तीन तीन साल लगाता हूँ, और फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे, कि तुम सारा दिन खेलने कूदने में समय बर्बाद करोगे और फिर भी तुम पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे, यानी जो तुम्हारे हालात हैं, जिस तरह से तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें तो सारी ज़िंदगी इसी तरह पढ़ाई में ही लगे रहना पड़ेगा। मैं तो फिर भी दो तीन साल ही लगाता हूँ। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो, यानी जो बाप दादा की जो कमाई है, मेहनत की कमाई है, उसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं पढ़ना तो भैया अपने घर लौट जाओ वापस, वहाँ जाकर खेलो कूदो मस्ती करो। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। अब मैं जब भाई साहब की लताड़ सुनता, डांट डपट सुनता, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। जवाब भी क्या था मेरे पास, क्योंकि मैंने गलती की है, भैया ने मुझे पढ़ने के लिए बोला था और मैं पढ़ाई छोड़कर खेलने चला गया था, और भाई साहब जो उपदेश की कला में बहुत निपुण थे, लेक्चर देने में तो वो बहुत माहिर थे, ऐसे ऐसे शब्द बोलते, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते, यानी तीखे व्यंग्य चुभती हुई बातें मुझे कहते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती, यानी मुझे अंदर से मैं बिल्कुल मतलब तकलीफ़ से भर जाता, मुझे अंदर से बहुत दुख होता और मेरी हिम्मत भी टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता और निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊँ, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं? यानी इतनी जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति उसके अपने में दिखाई नहीं देती थी, कि जिस तरह बड़े भैया दिन रात पढ़ाई में ध्यान लगाए रहते हैं, तो वो सोचता है लेकर कि मुझ में तो इतनी शक्ति है ही नहीं कि मैं दिन रात बड़े भैया की तरह पढ़ाई करता रहूं, तो जो काम मेरे बूते के बाहर है, यानी मेरे बस के बाहर है, मेरी शक्ति मेरे सामर्थ्य के हिसाब से है ही नहीं, मेरे मुझ में इतना सामर्थ्य ही नहीं कि मैं उस काम को कर सकूं, कड़ी मेहनत कर सकूं, तो उसके लिए क्यों मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना ही मंजूर है, कि ठीक है अगर मैं मूर्ख हूं तो मूर्खी से ही मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। इन भाई की इतनी डांट डपट सुनकर मेरी हिम्मत टूट जाती कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन एक दो घंटे बाद कह रहे निराशा के बादल फट जाते और मैं फिर से इरादा करता कि नहीं नहीं मैं खूब मेहनत करूंगा और बड़े भैया की तरह मैं भी दिन रात पढ़ाई करूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ? यानी कोई भी अगर काम शुरू करना है तो उसके लिए पहले नक्शा तो बनाना पड़ेगा, प्लानर बनाना पड़ेगा, एक प्लानर बनाता, टाइम टेबल बनाता, और टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती और उस समय इतनी डेडिकेशन आ जाती पढ़ाई के प्रति, इतनी अंदर से फीलिंग्स निकल के आती कि नहीं नहीं अब तो मुझे बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, और खेल कूद की जो नशा था वो बिल्कुल उड़ जाता। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुँह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास हिस्ट्री, फिर भोजन और फिर स्कूल, यानी बीच में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं।
3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। यानी पूरा का पूरा जो टाइम टेबल जो लेखक बनाता उसके अंदर खेल कूद को कहीं कोई समय ना देता, क्योंकि अभी उसके अंदर ये भावना थी कि मैंने भी अब बड़े भैया को पढ़ के दिखाना है, अब मैंने उनको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देना। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मगर टाइम टेबल जो बनाना, कहते हैं एक बात, टाइम टेबल बनाना बहुत इजी है लेकिन उसको फॉलो करना, उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। पहले ही दिन उसको टालना शुरू हो जाता कि ठीक है अभी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये 2 सब्जेक्ट्स कर लिए, जब तीसरे की बारी आती है थोड़ी देर खेल लेता हूँ, ये काम बाद में कर लूँगा, और पहले ही दिन उसकी इग्नोरेंस शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। यानी मैदान की जब वो पढ़ने के लिए बैठता और बीच में ही उसके मन में ये कपट आ जाता, खोट आ जाता कि नहीं बस अब तो मैं थक गया, अब तो मुझे थोड़ी देर खेलना चाहिए, तो जब मैदान की वो हरियाली उसको दिखाई देती, हवा के हल्के हल्के झोंके, कबड्डी और वॉलीबॉल गेम, ये सब उसे अपने आप ही एक अनजाना सा एक आकर्षण जो उसे बार बार अपनी ओर खींचता, और वो मैदान में जाते ही पढ़ाई लिखाई लेक्चर टाइम टेबल सब कुछ भूल जाता और वहाँ पर जाकर उसे सिर्फ खेलना ही खेलना याद रहता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती और बड़े भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता, क्योंकि अब बाहर जाते ही लेखक सब कुछ फिर से भूल जाता और फिर बड़े भाई साहब को उसे नसीहत देने का, उसे ज्ञान बांटने का, उसे शिक्षा देने का, उसे डांटने का एक मौका फिर से मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कोशिश करता और कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो, उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। अब बड़े भाई साहब को वादा तो किया था कि मैं टाइम टेबल बना के खूब पढ़ाई पे ध्यान लगाऊंगा, लेकिन फिर उस खेलकूद ने, खेलकूद का जो आकर्षण था, उन्होंने लेखक को फिर से अपनी ओर खींचा और उसका पढ़ाई से जो लिंक था, उसका जो रिश्ता था, वो फिर से टूट गया। अब जब उनको फिर से घर लौटने का समय आता तो फिर से उनके मन में वही बड़े भाई साहब की डांट का डर आ जाता। वो कोशिश करता कि बड़े भाई साहब से मेरा सामना ही ना हो, आंखों से दूर रहने की कोशिश करता और इस तरह से चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता से कमरे के अंदर प्रवेश करता कि बड़े भाई साहब को उसकी खबर ही ना हो, पता ही ना चले कि मैं कमरे में घुसा हूँ। जैसे ही उनकी नज़रें मेरी ओर उठती, मेरे प्राण फिर से निकल जाते, यानी मेरे डर के मारे मैं घबरा जाता। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर पाता। यानी हमेशा उनके सिर पर एक नंगी तलवार लटकती थी, यानी भाई की डांट का डर जो है हमेशा उसके सिर पर मंडराता रहता था, और खेलते कूदते समय भी उसको, खेल कूद के समय में वो सब कुछ भूल जाता था और जैसे ही घर लौटने का समय आता उसको फिर से भाई की डांट का डर सताने लगता। लेकिन फिर भी जैसे मौत और विपत्ति, मुसीबत के बीच हमेशा एक मोह माया का बंधन होता है, वो आदमी को जकड़े रखता है, उसी तरह से ही भाई की डांट डपट और गुस्से के बीच में भी उसको खेल कूद को जो है वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता था। बार बार ना जाने क्यों उसका ध्यान फिर भी खेल कूद की तरफ दौड़ता। मैं फटकार और घुड़कियां डांट खाकर भी, गुस्से से भरी बातें सुनकर भी खेल कूद को अपनी जिंदगी से नहीं हटा सकता था। ये पाठ का पहला हिस्सा हम पूरा कर चुके हैं, पाठ के दूसरे भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।